श्री राम। मैं आज जिस वेशभूषा में हूँ वो एक कश्मीरी हिंदू की है। मैं उन लाखों कश्मीरी हिंदुओं को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में, जो कौन अपने घर से निकाल दिए गए। आज भगवान राम की वापसी हो रही है अपने घर में, तो हमें उम्मीद है कि हमारी भी वापसी होगी। मगर उसके अलावा हर्षोल्लास का दिन है, भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा। राम लल्ला वापस अपने घर में प्रस्थान करेंगे, प्रस्थान नहीं वापस आएंगे। और मैं सुबह हनुमानगढ़ी भी गया था, और इस पूरे आयोजन ने, इस पूरे महासमारोह ने देश को एकत्रित किया, देश के लोगों ने लोगों को एकत्रित किया है। आज जो पूरा माहौल पूरे देश में है, बल्कि पूरे भारतीय जो पूरे वर्ल्ड में मना रहे हैं, वो मैंने तो ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है। आज है दिवाली, आज है, ये सिर्फ रिलीजियस त्यौहार नहीं है, ये रामचंद्र जी के जो फीलिंग्स हैं त्याग की, एकत्रित होने की, और एक ऐसी फीलिंग जो निस्वार्थ की भावना है, तो वो सबके हमारे मनों में आएगी। और मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप ये संदेश पूरी दुनिया तक ले जा रहे हैं। आप सबको जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आज जिस वेशभूषा में हूँ वो एक कश्मीरी हिंदू की है। मैं उन लाखों कश्मीरी हिंदुओं को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में, जो कौन अपने घर से निकाल दिए गए। आज भगवान राम की वापसी हो रही है अपने घर में, तो हमें उम्मीद है कि हमारी भी वापसी होगी। मगर उसके अलावा हर्षोल्लास का दिन है, भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा। राम लल्ला वापस अपने घर में प्रस्थान करेंगे, प्रस्थान नहीं वापस आएंगे। और मैं सुबह हनुमानगढ़ी भी गया था, और इस पूरे आयोजन ने, इस पूरे महासमारोह ने देश को एकत्रित किया, देश के लोगों ने लोगों को एकत्रित किया है। आज जो पूरा माहौल पूरे देश में है, बल्कि पूरे भारतीय जो पूरे वर्ल्ड में मना रहे हैं, वो मैंने तो ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है। आज है दिवाली, आज है, ये सिर्फ रिलीजियस त्यौहार नहीं है, ये रामचंद्र जी के जो फीलिंग्स हैं त्याग की, एकत्रित होने की, और एक ऐसी फीलिंग जो निस्वार्थ की भावना है, तो वो सबके हमारे मनों में आएगी। और मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप ये संदेश पूरी दुनिया तक ले जा रहे हैं। आप सबको जय श्री राम। थैंक यू।